हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगी झंडे की कटिंग कि किस तरीके से करते हैं और झंडे कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता दूं कि झंडे 5 तरह के होते हैं और कौन से झंडे को क्या बोलते हैं और उस किसकी कटिंग कैसी होती है। तो आप शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि ध्वज ध्वज में किस तरीके से कटिंग होती है ध्वज की और कैसा उसका नाप होता है। तो देखिए मैं बताऊं कि ये हमारा कपड़ा है, तो मैं पहले आपको बता दूं सबसे पहले कि जो ध्वज जो हमारा है वो 1 मीटर में बनता है। अब 1 मीटर में क्या है कि उसकी कटिंग किस तरीके से होती है, तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ कि मान लो हमारा ये 1 मीटर कपड़ा है, तो 1 मीटर कपड़े में हमारा कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर में बताऊँ कि हमको जो हमारी ये लंबाई रहती है, तो हमको यहाँ से कितना निकालना रहता है, ये वाली लंबाई जो है एक तरफ की हमारी लंबाई निकालनी रहती है कितने सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं बताऊँ 75 सेंटीमीटर एक तरह की लंबाई होती है और एक तरह की लंबाई एक तरफ की होती है कितनी, 94 सेंटीमीटर। तो 94 सेंटीमीटर में ये निशान लगा देंगे, एक तरफ निशान लगाएंगे 75 सेंटीमीटर में और एक तरफ निशान लगाएंगे 94 सेंटीमीटर में। और जो हमारा ये चौड़ाई वाला भाग है, ये इसमें हमको कितना, जो 75 सेंटीमीटर में ये निशान लगाए हैं वो यहाँ पे हम ये निशान लगा देंगे। तो देखिए, और ये 6 सेंटीमीटर का हमारा जो है ये पोल पट्टी रहती है ये। तो सबसे पहले हम पोल पट्टी पे ये निशान लगा दिए, कितनी निकाल, ये 6 सेंटीमीटर की हम पोल पट्टी पे निशान लगा दिए, 94 सेंटीमीटर की हमारी ये पूरी लंबाई निकाल दिए एक फन की, और एक फन की लंबाई हम कितना निकालेंगे, 75 सेंटीमीटर। यहाँ से ये देखिए 75 75, और ये पोल ये इधर कितना, 94 सेंटीमीटर। और बीच का भाग जो है देखिए, जैसे ये इस तरीके से आप अब डबल कर लीजिए, ये अब 6 सेंटीमीटर में यहाँ से पोल पट्टी वाले भाग में पूरी इस तरीके से आप अखंड सिलाई एक निशान लगा लीजिए ये, क्योंकि इसमें हम सिलाई लगाएंगे। और जो बीच वाला भाग जो कटिंग का भाग रहता है, इसको बता दूं कि ये कितने सेंटीमीटर का रहता है, ये वाला भाग जो हमारा 37 सेंटीमीटर का रहता है। अब 37 सेंटीमीटर में हम पहले सबसे पहले अखंड यहाँ से उरे फन निकाल लेंगे। ये हमारे है ध्वज की कटिंग। ध्वज और ध्वजा में अंतर रहता है, ध्वजा की कटिंग भी मैं बताऊंगी इस कटिंग के बाद। तो देखिए हमारे फन की कटिंग हो गई ये इस तरीके से, इसकी कटिंग जो ध्वज की है बहुत सोच समझ के की जाती है। अब देखिए बताऊं कि यहाँ से हम हल्का सा कट का निशान लगा दें, क्योंकि हम ये जब सिलाई लगाते हैं उरे, ये हमारी हो गई 37 सेंटीमीटर 37, और ये वाला हो गया 75 सेंटीमीटर 75 ये, और ये वाला जो भाग है चौड़ाई वाला ये भी 75 सेंटीमीटर का रहता 75, और ये वाला भाग जो रहता है ये बड़ा वाला भाग, ये हमारा रहता है 94 सेंटीमीटर का 94, ये 94 सेंटीमीटर का। अब ये 75 सेंटीमीटर में जो हम निशान लगाएं, उसको यहाँ से पकड़ेंगे देखिए, और जहाँ से ये ऊपर से 75 सेंटीमीटर आता है, मेरे इसमें मत जाइए, मैं छोटे कपड़े पे निशान लगा रही हूँ, आप 1 मीटर लीजिए कपड़ा और जो मैं निशान बता रही हूँ कितने सेंटीमीटर में लगाना है वो आप लगाना है। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से कटिंग कर दीजिए, तो हमारा ये हो गया देखिए, ये बड़ा फन 94 सेंटीमीटर का, ये बीच वाला भाग 37 सेंटीमीटर 75, और ये छोटा फन 75 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर की हमारी पोल पट्टी हो गई। अब पोल पट्टी बताऊं कि जब हम अखंड सिलाई लगाएंगे पोल पट्टी की यहाँ से, तो इसको लगाने के बाद में ध्यान रहे कि आपको इधर का मुंह खुला रखना है और इधर का मुंह बंद रखना, जो हमारा छोटा फन रहता है वहाँ पे हम मुंह बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम पोल डालते हैं तो यहाँ पे हमारा ये ऊपर रहेगा और ये लहराएगा। अब इसके लिए जो हमारा ये तुरेप कपड़ा निकलता है ये वाला भाग, इस कपड़े को हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। जी हाँ, बता दें यदि आप मेरे चैनल में नए आई हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ
आपको बहुत आसानी से मिल जाए। ये बराबर कर लें। अब इसको हम जैसे डोरी बनाते हैं इस तरीके से, आप डोरी बना लें और फिर पलटा दें, तो ये हमारी डोरी। तो ये हम ये वाले फुंदे जो कहाँ लगाते हैं, देखिए जिधर हमारा ये खुला वाला भाग रहता है ये यहाँ पे लटक रहता है इस तरीके से, ऐसे ये फुंदे लटक जाते हैं। और यहाँ पे हम ये जो कपड़ा बचता है इसके, हम देखिए इसमें से हम दो फुद्दियाँ निकाल लेंगे, फुद्दी झपटी आप जो भी बोलते हों, कुंदे जो भी बोलते हों आप, ये फुंदे हम जो है ये निकाल लेंगे, बीच से कटिंग कर दें, ये दो फुंदे यहाँ पे लगा दें। इस डोरी लगाने से क्या होता है कि जो हमारा ये हवा में लहराता तो सुंदर लगता है, और पोल में हम यहाँ गठान लगा देते तो हमारा ये ध्वज जो है खिसकता नहीं है। और दो फुंदे यहाँ पे आप लगा दें, इसी का निकाल लें, ये कोने पकड़ें, ये देखिए ये, और इसको इस तरीके से कटिंग कर दें। 1 मीटर कपड़े में पूरा बराबर हमारे ये बन जाते हैं। ये इसको इस तरीके से सिलाई लगाएं, पहले पलटा लें और फिर सिलाई लगाने के बाद में देखिए ऐसा ये कपड़ा इस तरीके से रखें, और फिर ये सिलाई लगा करके ऐसा फिर पलटा के फिर फुंदे में सिलाई लगा लें, तो हमारी कुछ इस तरीके से ये फुद्दी लटक आ जाएंगे। ये हमारी हो गई है ध्वज की कटिंग। और जब ये सिलाई लगाएं उरेब वाली, तो देखिए सबसे पहले आप सिंगल ओट ओट के पूरी अखंड सिलाई लगा लें, फिर डबल से एक ओट ओटे फिर सिलाई लगाएं। यदि साथ में डबल इस तरीके से ओट देंगे तो उरेब कपड़ा हमारा क्या है, बर्रे बर्रे आ जाते हैं, प्रेस करने में भी नहीं मिटते। और आप इस तरीके से लगाएं, यहाँ पे आए तो जो हम ये कटिंग कर देते हैं इसको इस तरीके से पलटाएं, और फिर डबल से आए तो फिर पलटा दें, तो ये हमारा हो गया ध्वज। अब ये ध्वज की कटिंग देखिए इस तरीके से होती है। अब इसको मैं एक तरफ रख देती हूँ। अब मैं बताऊँ आपको ध्वजा की कटिंग कि ध्वजा किस तरीके से कटते हैं। जी अब ये बताऊँ, ये ध्वजा जो हमारा ये कपड़ा है, ये मान लो ये कपड़ा हमारा, अब इस कपड़े में हम लेंगे ये, तो ध्वजा हमारा आप 2 मीटर का बना रही हैं या 1 मीटर का, तो जब 1 मीटर का ध्वजा बनाएंगे तो इस तरीके से कपड़ा लें, 2 मीटर का ध्वजा 1 मीटर का घरों में जो लगा देते हैं, तो इस तरीके से कपड़ा लें। देखिए अब इसको इस तरीके से नाप लें आप, ये नाप लें, यहाँ का भाग आप ज़्यादा लंबाई यहाँ की रखें और यहाँ की चौड़ाई थोड़ी सी आप देखिए बताऊँ, ये तीसरा हिस्सा ये वाला निकाल लें, जैसे हमारी ये लंबाई है तो इसका आप तीसरा हिस्सा निकाल लें, 3 फोल्ड करके यहाँ पे ये जो बीच का सेंटर हम निकालते हैं, और डबल फोल्ड ये लटक में रखें आप, जो कि हमारे फन लटकते हैं, ये फन के लिए आप यहाँ से देखिए उरेप करके और यहाँ निशान लगा लें बराबर टिक टिक करते हुए, उरेप रखें कपड़ा एक बराबर, जब आप कटिंग करें तो एक बराबर कपड़ा रखें। बेहद सरल बेहद आसान तरीके से है, और आप शुरू से आखिरी तक देखें, मैं 5 तरह के आपको झंडे बताऊंगी। ये कट गया हमारा ये देखिए ये पूरा। अब इसको बता दूं कि आपके जो ये फन हैं ये इस तरीके से हैं। अब इसमें जो है पोल पट्टी, आप ये 2.5 इंच की पोल पट्टी निकाल दें, और यहाँ पे भी इसी तरीके से सिलाई करें। अब बता दूं कि ध्वज में जो है तो हमारा एक फन जो है कम कटता है, और ध्वजा में हमारे जो हैं ये फन बराबर कटते हैं। इसको और इस तरीके से ज़्यादा कट गया मेरा, इसको एकदम 1.25 इंची का ही छोड़ना है ये। अब इसमें ये जो कटिंग का कपड़ा बचता है इसमें भी इसी तरीके से ये फुंदे निकाल लें, ये देखिए यहाँ से ये कपड़ा लें इस तरीके से पकड़ें, और ये और यहाँ से बराबर गुलाई देते हुए ये कपड़ा निकाल लें। कि इस तरीके से यहाँ भी इस तरीके से फुंदी लटका दें। ये हमारा हो गया ध्वजा। ध्वजा की कटिंग जो है ये जो फन दो हैं एक बराबर रहते हैं। अब इसमें आप जैसे एक बराबर फन है तो ये पोल पट्टी किधर से भी चाहे इधर से बंद कर दो या इधर से बंद कर दो, एक तरफ से खुली रखना और एक तरफ से बंद रखना। तो ये हमारी हो गई
ध्वजा की कटिंग। ध्वज और ध्वजा में ये अंतर है। अब बताओ इसकी भी सिलाई उसी तरह के लगाए, जैसे एक ओट ओट की पखंड सिलाई फिर डबल से दूसरी सिलाई, तो इसमें क्या बाउटे नहीं आते हैं। अब मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ। अब मैं बताऊँ आपको कि झंडे की कटिंग, कि झंडे की कटिंग किस तरीके से होती है। दो हो गए। अब जैसे हमारा ये कपड़ा है, कपड़ा हमारा बताऊँ कि हनुमान जी का जो झंडा रहता है वो 1.25 मीटर में कटता है ये। अब मान लो हमारा ये कपड़ा 1.25 मीटर है, आप जो भी लाएं तो 1.25 मीटर का कपड़ा है। अब 1.25 मीटर में हमारा हनुमान जी का झंडा 2.5 मीटर का बनता है, 1.25 मीटर कपड़े में 2.5 मीटर। अब उसकी कटिंग किस तरीके से होती है, जैसे हमारा ये हो गया कपड़ा 1.25 मीटर। अब 1.25 मीटर में हम पहले ये 20 सेंटर निकालेंगे। देखिए यहाँ से इस तरीके से कपड़ा पकड़े और ये यहाँ से पकड़ के और यहाँ निशान लगा दें, ये अंदर से ये बराबर भाग में निशान लगाएं। अब ये निशान लगाने के बाद में ये वाला कपड़ा कुछ इस तरीके से उरेप रखें। ये एकदम सरल आसान तरीके की कटिंग है। इसमें क्या है कि हमारा 1.25 मीटर में 2.5 मीटर बराबर झंडा बनेगा हनुमान जी का, जो हमारे मन्नत के जो भी रहते हैं झंडे वो 1.25 मीटर के बनते हैं और हनुमान जी का झंडा 1.25 मीटर का रहता है। अब देखो बताऊँ कि इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से कटिंग करें। ये देखिए, अब ये देखिए जो ये हम ये कटिंग हो गई, तो जो हम ये वाला भाग निकाले हैं ये आप सीधा कर देती हूँ, कपड़ा बराबर दिखेगा। ये उरेब वाला भाग ये हमारा हो गया पोल पट्टी का भाग, और ये जो है हमारा इधर और ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये देखिए यहाँ से, क्योंकि हम ये जो बराबर बीच का नाप सेंटर लेते हैं ना, तो एक बराबर हमारी कटिंग होती है। अब इसमें मैं पिन लगा देती हूँ क्योंकि इसमें सिलाई लगा के जोड़ लगता है। ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दें। मैं सिलाई लगाऊंगी तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसमें सिलाई लगा लें। और मैं वैसे झंडे का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप आपके अपना बुटीक में जाइए और पूरा वीडियो देख सकती हैं आप, ध्वजा का भी, झंडे का भी और ध्वज का भी सिंगल सिंगल वीडियो अपलोड की हूँ। ये देखिए इस तरीके से आप, तो ये हमारा ये देखिए यहाँ से इतनी लंबाई है, ये और ये देखिए इतनी लंबाई हो जाती है हमारी 2.5 मीटर की। ये हमारी हो गई झंडे की लंबाई। अब मैं बता दूँ कि जैसे अब ये वाला जो हम पोल पट्टी का ये कपड़ा इस तरीके से उठते हैं 2.5 मीटर की, और इसमें से ये कपड़े निकाल देते हैं जो हमारा उरेब का कपड़ा रहता है, ये वाला भाग ये निकल जाता है पोल पट्टी का। तो हम मैं बताऊँ कि इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये 1.25 मीटर में पूरा बराबर एकदम झंडा बनता है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से फुंदे लगा देते हैं, जो हमारा पोल का ये साइड में से निकलता है, ये थोड़ा छोटा निकला मेरा क्योंकि कपड़ा छोटा है, तो यहाँ पे हम ये फुद्दी लटका देते हैं। तो ये यहाँ का कपड़ा यहाँ पे लगाते हैं, तो ये हमारा हो गया झंडे की कटिंग। देखिए 1.25 मीटर में 2.5 मीटर का झंडा बनता है, पूरे पन्ने का निकालिए। अब ये हो गई। अब मैं बताऊँ आपको झंडे के बाद कि झंडे किस तरीके से कटती है। हर तरह का कपड़ा कटता है और अलग अलग तरीके से कटता है, क्योंकि हम झंडे को जो झंडियाँ बोलते हैं, जो कि रैलियों में लेकर के निकलते हैं, वो झंडी रहती हैं। तो जैसे हमारा ये कपड़ा है 1 मीटर है, 0.5 मीटर जो भी है, जितनी छोटी बड़ी आपको झंडी लेनी हो तो इस तरीके से। सबसे पहले आप क्या करें कि ऊपर से निशान लगा लें पोल के लिए, कितने पोल निकालना है आपको। झंडियों का पोल वैसे 1.5 इंच का बहुत काफ़ी रहता है, तो इस तरीके से 1.5 इंच पे यहाँ निशान लगाएं और यहाँ निशान लगाएं। ये हमारा हो गया झंडियों का पोल। अब ये झंडी के पोल के बाद में ये अब जो ओट ओट देंगे, ये हमारे हो गया पोल का ओट। अब देखिए इस कपड़े में हम झंडियाँ किस तरीके से निकालें। कोई कोई क्या करता है 20 से ऐसा निकाल देते हैं, इस तरीके से कटिंग गलत हो जाती है। इसमें सोचते हैं कि हम 2 झंडे निकाल लें तो वो कपड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक कपड़े में 0.5 मीटर में एक ही झंडी बनती है, और यहाँ से निशान लगाएं इस तरीके से। देखिए थोड़ा सा 0.5 इंच कपड़ा छोड़ते हुए यहाँ से ये उरेब का निशान इसे टिक टिक करते हुए ये लगा दें। सबसे पहले ये पोल का कपड़ा, पोल पट्टी वाला ओढ़ दें, फिर यहाँ से उरेब करें। ये उरेब करने में क्या है कि हमारा ऐसा तिरछा कर लेते हैं तो हमारे बराबर एकदम एक बराबर कटिंग होती है। और आपको जो भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी।
ये देखिए, ये हमारी हो गई, ये झंडी हो गई। अब इसमें हम ये यहाँ पे लगाएंगे फंदे। अब देखिए इस तरीके से यहाँ से ये कपड़ा ये निकालेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा तिरछा कपड़ा हम निकाल देंगे इधर से, ये वाला ये कपड़ा निकाल देंगे। तो ये हमारी हो गई, यहाँ पे फुद्दी का कपड़ा निकाल देंगे, यहाँ पे फुद्दी लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई झंडी। और जो हमारा ये कपड़ा निकलता है, तो देखिए इस तरीके से ये, यदि आप ये फुद्दी यहाँ पे भी दूसरी फुद्दी लगा देंगे, यदि ये इस ये कपड़ा निकल गया, इसमें से हमारे इस तरीके से ये पता के कटते हैं। यदि हम ये फुद्दी लगा देंगे यहाँ पे भी, ये यदि ये फुद्दी देखिए, यदि ये फुद्दी हटा दिए तो ये पताका बन जाएगा, इसलिए फुद्दी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी हो गई झंडी, जो कि हम रैलियों में निकलते हैं, रैली किसी भी रैली निकलती है किसी, तो आप इस तरीके का झंडी लेकर के लोग निकलते हैं हाथों में, तो ये हो गई झंडी। अब मैं बता दूँ झंडी के बाद आपको पताका की कटिंग कि किस तरीके से पताका कटता है। जैसे हमारा ये कपड़ा है, अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे कि कटिंग करके बराबर ले लेंगे, कोई कोई चौकोर जितना लंबाई चौड़ाई आपको रखनी हो यहाँ से लें, पूरे 20 सेंटर से ये निकाल दें। ये चौकोर कपड़े में जितनी छोटी बड़ी आपको लेना हो कपड़ा ले लें, चौकोर चौकोर कपड़े में इस तरीके से ये निकाल दें। ये हमारे हो गए पताके। ये देखिए एक चौरस कपड़े में, एक रुमाल बराबर कपड़े में 4 पताके निकलते हैं। ये देखिए अब इन पताकों को क्या है कि बैनर जब बनाते हैं तो यहाँ से ऐसे लगा लगा के रस्सियों के बीच में लगा देते हैं, जो कि सजावट के लिए लगाते हैं। रोड शो होते हैं तो लोग पताके में धागों में से डंडियाँ लगा देते हैं। ये हो गए हमारे पताके, हर जगह लगते हैं। और यदि इसी पताके में यदि यहाँ पर फुद्दी लगा दी जाए इस तरीके से, मैं बताऊँ यदि यहाँ पे ये पताके में यदि आप फुद्दी लगा दिए तो ये हो गई झंडी। क्योंकि यदि आपकी फुद्दी लग गई तो झंडी, और फुद्दी नहीं लगी तो ये हो गए हमारे ये पताके। ये पताके बहुत ही बैनरों में लगते हैं, पताके में ये फुद्दी नहीं लगती और झंडियों में फुद्दी लगती है। तो ये हमारे हो गया झंडी और ये हो गए हमारे पताके। ध्वज ध्वजा का अंतर और हो गए पताके। अब इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि ध्वजा जो 4 मीटर 5 मीटर के बनते हैं, तो ध्वजा किस तरीके से बनते हैं, कि आप सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े ध्वजा माता जी के मंदिरों में लटके रहते हैं तो उनको किस तरीके से बनाना है, तो मैं ध्वजा बता दूं कि किस तरीके से बताते हैं। देखिए ये हमारा जैसे कपड़ा है, अब मान लो हमारा ये कपड़ा कितना है कि 2 मीटर का ये कपड़ा है, 2 मीटर का ये कपड़ा है, 5 मीटर का, जितना भी आपको लंबाई डबल कपड़ा में तो आधे आधे कर लें, क्योंकि पन्हा पूरा लेना होता है हमारा। अब ये हमारा हो गया 2 मीटर का कपड़ा। अब 2 मीटर में हम किस तरीके से ध्वजा निकालेंगे, तो मैं आपको बता दूँ 4 मीटर कपड़ा है तो 2 मीटर ये वाला हो गया, 2 मीटर ये कपड़ा हो गया, तो इसको सबसे पहले पन्हा पूरा लेना है और दोनों कपड़ों की इस तरीके से घड़ी कर लेना है बीच से उसमें, क्योंकि है ना जैसे हम सिंगल ध्वजा निकालते हैं तो 1 मीटर 1.5 मीटर में 20 से ऐसे ओट के निकाल देते हैं, और जो हमारा 4 मीटर का रहता है 5 मीटर का, तो उसको 2 कपड़े कर लेते हैं 20 से 2.5 मीटर के, 5 मीटर में 2.5 मीटर का और 4 मीटर में 2 मीटर का कपड़ा। अब 2 मीटर कपड़ा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला भाग रहता है, इस वाले भाग में हम 1.5 मीटर पर निशान लगाएंगे, यहाँ पे 1.5 मीटर पे ये निशान लगा देंगे, और जो हमारा ये फन रहते हैं ये 2.5 मीटर रहेंगे। तो 1.5 मीटर का ये बीच का भाग और फन का भाग लटक जो हमारा है 2.5 मीटर का। अब इसमें इस तरीके से टिक टिक करके निशान लगा देंगे और इसको उरे कटिंग कर देंगे। ये देखिए तो ये हमारा हो गया 4 मीटर का झंडा, जो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में लगते हैं, एकदम गेट में लगे रहते हैं, उड़ते हैं वो। तो अब बहुत से लोग सोचते हैं कि इतने चौड़े हम कैसे, पन्हा तो कम रहता है, इसलिए फुल पन्हे का ये बनता है। और इसका ये इस जब जोड़ लेते हैं, सबसे पहले ये जोड़ लगा लें पोल पट्टी का इस तरीके से, पोल पट्टी बहुत बड़े बड़े पोल रहते हैं उसके, तो ये पोल पट्टी हम जो है 6-6 इंच की 8 इंच की जितने आपके पोल हों उस हिसाब से ये पट्टी निकाल सकती हैं आप, ये वाला आप पोल के हिसाब से ये पोल पट्टी रखें। और देखिए बताऊं कि जब ये सिलाई लगाएं तो सबसे पहले ध्वजा की सिलाई भी ये इस पहले ओट सिंगल ओट लें और फिर इस ओट
डबल से उठ है, पहले एक सिलाई लगा के फिर डबल से, यदि साथ में आप उठ देंगे इस तरीके से तो क्या बर्रे बहुत आ जाते हैं, फिर प्रेस करने भी नहीं मिटते। अब ये जो हमारा ये बीच का कपड़ा बचता है, तो ध्यान रहे कि जब बड़े बड़े ये बैनर बनते हैं, ये ध्वजा बनता है बहुत बड़ा, तो इसमें बहुत बड़े फूंदे लगते हैं, तो एकदम जितना कपड़ा बचता है उस कपड़े का, जो बीच का बचता है उस कपड़े का पूरा फन निकाल लें इस तरीके से। अब पूरा फन निकालने के बाद में अच्छे बड़े बड़े फन जो हैं आप लटका सकती हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये हो गया हमारा, देखिए बड़े फन का ये हो गया ध्वज। ध्वज में ध्यान रहे कि ध्वजा में हम एक फन छोटा रखते हैं और एक फन बड़ा रखते हैं, और ध्वज में और ध्वजा में हमारे दोनों फन जो हैं बराबर रहते हैं। तो ये हमारे हो गया ध्वजा की कटिंग, तो मैं आपको बता दी झंडे की कटिंग, ध्वज की कटिंग और ध्वजा की कटिंग, झंडी और पताके में अंतर। और जी प्लीज़ मेरे वीडियो यदि बनाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और जो भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी। शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।